अभी रेहान भी आउट हो चुका है, वो देख सकते हो आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल रहा, उसको बॉल लगी भी फिर भी है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अरे जा, नहीं होता है, हाँ नहीं हो रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी हमारे बैग भी सब चेकिंग हो गए, सैनिटाइज सब हो गए। चलो फोर्थ फ्लोर आई थिंक। ओके सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेहान, वेलकम बैक टू द चैनल रेहान खान ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में हम आए बाउंस इंडिया में, एंड बाउंस इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रैम्पोलिन पार्क है, एंड इधर काफ़ी ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ है। तो चलिए, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वीडियो में। सो चलो सीधा चलते हैं हम काउंटर की तरफ, चलिए आइए। गुड आफ्टरनून, डू यू हैव अ बुकिंग? यस। एंड व्हाट नेम? रेहान। ओके, so I'm just going to give you a bands and tell you three safety rules which are non-negotiable at all. Okay, so number one, only one person on a trampoline at a time. Number two, you cannot run or jump on the colorful paddings, they're hard, you'll get hurt. And number three, don't try anything over your skill level. Okay, so you can take your shoes out and you can put it behind the rack, and your socks are right here. Thank you so much. You're welcome, have fun. अभी हमारा काउंटर पे बुकिंग सब हो गई है, एंड अगर आपको बुकिंग करना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड किया, तो उधर से जाके आप करना, बिकॉज मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ, एंड आपको 10% भी ऑफ मिलेगा, और जो सारे ऑफर है उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो अभी मैं बहुत ज़्यादा बेसब्र हो गया हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इधर ये शूज़ के रैकेट भी प्रोवाइडेड है, इधर इसको पहले हमारे शूज़ डाल देते हैं, एंड चलो अभी अंदर जाके सॉक्स वेयर करेंगे, एंड सीधा हम चलते हैं बाउंस इंडिया की तरफ। ओके सो अभी मुझे पता चला है कि जो बाउंस इंडिया है ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, एंड ये एक ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है, और ये हमारे इंडिया में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी सही बात है। एंड अभी दीदी आ रही है, शनाया दीदी, वो हमें इसका पूरा टूर देगी, और बस अभी कॉपीराइट के लिए ये वॉल्यूम भी कम कर रहे हैं, मतलब स्टाफ है ना जगह काफ़ी सही है, एंड आपको काफ़ी अच्छे से ये जिमनास्टिक ट्रिक्स वगैरह सब एक्सप्लेन भी करेंगे और सिखाएंगे। इससे इंजरीज का भी चांसेस कम है ना? या नाइस। अच्छा ओके सो आपको नीज बेंड नहीं करना है, एंड बहुत सारा मजा आने लग गई है भाई। So your first trick, we call it a bum drop, okay? You're going to put your hands here, you're just going to sit up. That's all you're going to do. Yeah, try it. Good job. Try it, like straight. Good job. Okay, so the next one, we're going to do a knee drop, which is very simple. You just go down. Up. Don't jump. Yeah, there we go. Good job. Okay, now we call this a combination. So a combo basically. So what you learned just now was a bum drop and a knee drop. So we do it together. So you go knee, bum, up. ओके सो अभी हम लोग सीख रहे हैं ट्रैम्पोलिन ट्रिक्स, एंड ये ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा फन है वैसे तो, इसमें से दो ट्रिक्स मैंने काफ़ी जल्दी सीख लिया हूँ, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई, बट ये एक कॉम्बिनेशन मूव है उन दोनों ट्रिक्स का, तो ये मुझे पहले तो भाई डिफिकल्ट लगा, एंड ये है भी डिफिकल्ट, बट दीदी और भैया ने मुझे काफ़ी सही टीच किया है, एंड उसके बाद मैंने कोशिश किया। पहले तो मुझे लगा कि भाई हमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा,
बट उसके बाद मैं बोला कि यार व्लॉग भी बन रहा है, व्लॉग में बेइज्जती हो जाएगी, तो भाई बेइज्जती तो नहीं करानी हमें। तो मैंने बोला चलो भाई, एक मोटिवेशन की लहर हमारे अंदर जाग चुकी थी एंड मैं बोला अब तो करना ही है बॉस। एंड देखो अभी मैंने कैसे करता हूँ, कैसे स्वैग और स्टाइल के साथ करता हूँ। सुपर। ओके सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड बहुत अच्छे से मैंने, देख सकते हो आपने दीदी, ये अभी मैंने क्या सीखा हूँ, सो मैंने अभी एक गन ड्रॉप सीखा, उसके नी ड्रॉप सीखा एंड मैंने उसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई इसमें। एंड चलो अभी तो मैम आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न मेनी ट्रिक्स एंड दिस इज वेरी फन। Another trick which is called a ricochet. Those trampolines are also called as slope trampolines, which you can see they're clearly different. Okay, so come. ये इजी है, ये इजी, इट्स इजी। ओके डन, इजी, कम ऑन लेट्स ट्राई। इट ओनली लुक्स इजी, इट्स नॉट इजी। कम ऑन, यू कैन डू बेटर देन दैट। क्लोज क्लोज, यू वांट टू लीव द बॉल क्लोजर टू द रिंग। ओके, यू डोंट वांट टू थ्रो द बॉल, डोंट थ्रो इट। तो ये दिखने में तो सिंपल लगता है बट बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। एंड पहले मुझे लगा कि हाँ सिंपल है, मैं एकदम आराम से करूँगा, बट नहीं, ये हार्ड है। एंड अभी मेरे को मेरी हाइट नहीं चाह रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा हाई जंप नहीं कर पा रहा। यस, यू विल गेट यूज्ड टू इट, नो वरीज, कम ऑन, यू गॉट इट, पुश, गो अहेड, नाइस, गो, गुड जॉब, गुड जॉब। आई थिंक अभी मेरा इंडियन बास्केटबॉल टीम में हो जाएगा, डेफिनेटली, बट नेक्स्ट ईयर, नॉट टुडे, नॉट दिस टाइम। थोड़ा सा मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ एंड होप मैं अपना बेस्ट दूँ। दीदी से हाय इन माय ब्लॉग। हाय। सो जो स्टाफ आए हम उनके साथ कर रहे हैं एंड चलो जलील भैया साथ में एक ही टीम में रहते हैं। अच्छा आप ऑपोजिट टीम में, देखो भाई भैया मेरी टीम में रहो, आप काफ़ी अच्छा खेलते हो, नहीं तो मैं हार ही जाऊँगा यार। शनाया दीदी, विल यू कम इन माई टीम? I'll think about it. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions. मैं हारने वाला हूँ। So देखो, ये है इधर अभी हमारा कंपटीशन होगा एंड एक टीम भी आ रही है। सो काफ़ी ज़्यादा, सो इधर काफ़ी ज़्यादा फन होगा, होस्ट भी है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है ये व्लॉग में। और एक मैच होगा, फ्रेंडली मैच, तो उसके लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके सो गाइस अभी मैच चल रहा है। फर्स्ट मैच हम लोग जीते थे, अभी सेकंड मैच चालू है। सेकंड मैच में मैं पहले ही आउट हो चुका हूँ और ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा फन हो रहा है मतलब यहाँ पर। सो वो वाली ब्लू वाली टीम थी ना, वो मेरी थी, और ये वाली टीम अभी लगता है जीतने वाली है, वहाँ पर तो बहुत कम प्लेयर्स हो गए। और ऑफकोर्स ये जो उनकी स्टाफ है वही टीम खेल रही है, तो ऑफकोर्स वो लोग एक्सपर्ट है। अभी रेहान भी आउट हो चुका है, वो देख सकते हो आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल रहा, उसको बॉल लगी भी फिर भी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। निकला निकला, वो बाहर निकल रहा है, अभी हालत खराब हो चुकी है उसकी, देख सकते हो। सो अभी हमारा बास्केटबॉल का मैच हुआ है एंड आई थिंक ट्राई हुआ था ना, पहला एक मैच हम लोग जीते थे तो ट्राई हो गया, हमने काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी भाई। और अभी आप लोग देख सकते हो ये है जूनियर पार्क, आप लोग देख सकते हो ये स्मॉल किड्स के लिए जूनियर जंपर्स। दीदी you have baby trampoline, so when the parents come, so one parent is supposed to stay here with the child and the other parent can go and jump. Okay, so we have a special area for it. Yeah, it's called the big bag. Big bag? Yes, big bag. Okay, so abhi main aapko dikhata hu iska naam bhi big bag kyun hai, idhar aaiye, as you can see idhar ek bada sa bag hai. Okay, aur
चालू था। अरे भाई हम लोग अभी देख के ही पड़ गई है, गोल गोल घूम रहे हैं। तो चलो एक बार मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। देखो भाई अभी ये मंदिर को देखो। फर्स्ट दीदी विल एक्सप्लेन भी। ये सिंपल है। हाँ वो वाला थोड़ा टफ था, उसमें हमें बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप है ना, इट्स लाइक फ्रंट बैकड्रॉप ओके इट्स नॉर्मल। अभी आपका देखो रिहान का ब्लॉग्स का चलना देखता, अभी मैं एक बार में ही कर लूंगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो देखता हूँ इतनी बड़ी बड़ी फेक। क्योंकि मेरे को जिम्नास्टिक सीखना था और अभी इधर आके मैं कर रहा हूँ। तो चलो इसके पहले वाला तो नहीं हुआ था। ओ भाई साहब ट्रिक्स दिखा रहे। ओ भी है ना उनके स्टाफ मेंबर जंप करने वाले, उनका एक्सपर्टीज देखना, वो लोग कितने ज्यादा एक्सपर्ट है, वो लोग करने वाले अभी। Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. रुको जरा, सबर करो। आज मैं मिला हूँ द इंडियन स्पाइडरमैन से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जलील भैया अभी, जलील भैया अभी कल ओके सो अभी मेरी काफी ज्यादा वैसे तो बढ़ रही है, आई एम वेरी स्कैर, पर फिर भी हम करेंगे भाई, ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। जनील भैया और मैं काफी ज्यादा थक गए हैं, पर और अभी और एक एक्टिविटी बाकी है। अभी एक और एक एक्टिविटी बाकी है एंड ये उससे ज्यादा टायर्ड है। अरे बहुत, हाँ बहुत ज्यादा वो एक्सट्रीम लेवल की हार्ड है, एक्सट्रीम लेवल, ये एक पार्कर टाइप में है। सो मेरे को काफी ज्यादा वैसे तो बहुत ज्यादा मजा आ रही है, एक अलग ही फन है। और ऐसे आपने फन कभी किया? नहीं नहीं ऐसा तो फन पहली बार कर रहा हूँ। देखो मैं ऊपर से जो जंप करने वाला था उसमें तो मैं फेल हो गया, नहीं किया। और एक बार किया तो मैंने एकदम लिटिल हाइट से जंप मारा, पर कोई नहीं होता रहता है, अभी सीख रहे।
रहनी हमें सजा है हम है। सो अभी एक्सपर्ट एंड होने जा रहा है एंड हम लोग इस स्लाइड में चलो फिर चलो। थैंक यू सो मच जतिन भैया, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू गाइस, नाइस मीटिंग, बाय, बहुत थैंक यू, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं यार, इधर बाहर आके कब हम लोग 3-4 घंटे से अंदर ही थे, बाहर आके अलग ही लग रहा है। वही तो, अंदर मजा आ रहा था, अभी भी बॉडी बाउंस हो रही है। सही में यार ऐसा लग रहा है अभी भी हम ट्रैम्पोलिन पे हैं।